और इसका स्टार्टिंग प्राइस आएगा 250 रुपीज़ पर पीस है और इसका प्राइस आ जाएगा 200 रुपीज़ ईच। तो बहुत सारे वेरायटी रेंज मिल रहे हैं आपको, अगर आपके पास बजट नहीं है और स्टार्टिंग से आप कम प्राइस में लेके बड़े कर सकते हो तो आप ले सकते हो। ये थंबनेल प्लस है, इसमें स्नो वाइट है, लेपर्ड है, ब्लू डायमंड है, इसका प्राइस 150 पर पीस है और 500 पर पीस है। तो इस ये आप देख रहे हैं इसमें जो फेस है उसका लाइट शेड होता है जो वाइट हो जाएगा आगे जाके और बॉडी पूरी रेड हो जाएगी। तो ये बेसिक आपको आगे जाके स्ट्रक्चर मतलब इसका जो बड़े होंगे जब पीस तो आपको ये व्यू आएगा, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं ये भी। ये वाइट टाइगर है मलेशियन, ये सब इम्पोर्टेड मलेशियन, चेकरबोर्ड है, ब्लड ईगल है, बहुत से लोग प्लेटिनम ब्लू बोलते हैं, बहुत से लोग डायमंड ब्लू है, हम लोग तो डायमंड ब्लू बोलते हैं। हाई फिन हाई रेड रिंग है ओरिजिनल मलेशियन है, ये भी येलो डायमंड का, इसका शेप भी देखिए हाई बॉडी है, ये आपको एग दिख रहे हैं इस पर। हाँ। एग ले कर दी है, बहुत रेयरली आता है ये भी। यहाँ पर एक और एक है येलो डायमंड, वो दिखाते हैं, ये भी एक पैर है। ये स्नेक स्किन और स्नो वाइट है, ये प्रोवन पैर है, ये इम्पोर्टेड जैपनीज कोई है, इसका प्राइस 130 रुपीज़ पर पीस है। अच्छा बेटा फिशेस की ये खुद ब्रीड किए क्या आपने यहाँ पे? हाँ ये हमारे इन्होंने ब्रीड किया है। अच्छा ये आपने ब्रीड किया जी। कितने एज है आपकी? 11 एज। अच्छा 11 में इतना सब सीख गए आप, ये ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, तो लास्ट टाइम आपने देखा था मैंने HA डिस्कस के ऊपर वीडियो बनाए थे, तो बहुत सारे लोग ने उसका अच्छा रिस्पांस भी दिए। तो जैसा कि हम अलग अलग स्टोर में जाके अलग अलग सिटीज़ में जाके कॉन्टेंट आपके लिए लेके आते हैं, तो फिर यहाँ पर आप अपडेट लेके आए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई HA डिस्कस के ऊपर वीडियो कब बना और दूसरा वीडियो, क्योंकि हमको अपडेट देखना है, नई वेरायटी देखने के लिए मिलेगी और अच्छा रीजनेबल प्राइस भी है इनका, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भी पसंद किए। आप जाकर कमेंट देख सकते हैं, लास्ट टाइम का वीडियो मैंने अपलोड किया था, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे और बहुत अच्छे वीडियो कमेंट आए थे कि अच्छा प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल है मुंबई में, आई थिंक बेस्ट स्टोर करके। तो जैसा कि ऑब्वियसली हम लास्ट टाइम मिले थे इमरान भाई जो स्टोर ओनर हैचरी के ओनर हैं और अबूजर भाई जी जो स्टोर ये हैचरी के केयर टेकर हैं, तो दोनों हमारे साथ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अबूजर भाई, कैसे हैं? और अबूजर भाई अच्छा लास्ट टाइम का कैसा था रिस्पॉन्स? लास्ट टाइम का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, जो सैयद साहब ने जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो इनका चैनल है हम लोग भी देखते हैं उनका और उनके सब कमेंट भी रीड करते हैं, सब कस्टमर्स के बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है इनका। और जो इनकी जो आज की तरक्की है वो इनके मेहनत से हुई है और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई आदमी इतनी फ़िश के वर्ल्ड में इतना मेहनत कर रहा है। जो अभी इनका लोकेशन भी हैदराबाद से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, बॉम्बे में आके विज़िट कर रहे हैं, तो ये एक शौकीन आदमी कर सकता है जो रियल दिल से करता है। आप अभी अबूजर भाई कुछ बताएंगे इनके बारे में? अबूजर भाई लास्ट टाइम कैसा रिस्पॉन्स और कस्टमर्स के क्या फीडबैक थे? सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ख़ास करके उन लोगों का जिन लोगों ने हमारी खामी क्या है जो हमको नहीं पता था, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर इनके पास ये कमी है, तो वो हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाला। तो आपको रेक्टिफाई करने के लिए जी बिल्कुल। तो आज क्या कुछ नया फिशेस, कुछ वेरायटी आप दिखाने वाले? बिल्कुल, अभी तो बहुत सारी वेरायटीज़ आई है, नए फिशेस भी हैं, काफ़ी सारे स्टॉक हैं। अच्छा व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं, जैसा कि आप लास्ट टाइम ने बहुत सारे लोगों को भेजा जी, तो आप जो डिफ़िकल्टी देखते हो और व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हो जो लास्ट वीडियो में बता नहीं पाए? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, हमारे यहाँ से जो भी गया है पार्सल यहाँ से, तो वहाँ पहुँचने के बाद क्वारंटाइन किस तरह करना है, सबसे ज़्यादा कॉल उसके लिए आया हमें, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वहाँ फिशेस आने के बाद हम उसको क्वारंटाइन कैसे करें, अपने मेन टैंक में इंट्रोड्यूस किस तरह करें, उसको पीपी बात किस तरह देना है और क्वारंटाइन में क्या क्या मेडिसिन यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ये इस बारे में बताऊँगा मैं, ठीक है? उसके बारे में हम कोशिश करेंगे अलग वीडियो बनाने का, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो 4-5 मिनट तो चले जाएंगे। तो उसके अलावा और कुछ बोलना चाहते हैं आने वाले व्यूअर्स को या परचेजर्स को, कोई लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ माइंड में ध्यान रखें, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं? मैं व्यूअर्स से बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारे जो नंबर फ्लैश होते हैं, तो आप दोनों को अलग अलग फ़ोन ना करें। अगर आप एक से बात करते तो आप एक ही से बात करिए, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत सी चीज़ें, मतलब जो चीज़ दो बार बुक हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रेट में आदमी फिर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो आप एक ही नंबर को पकड़ के चले। खैर फिलहाल हम लोगों ने भी उस पर वर्कआउट किया है कि एक लिस्ट बना के हम लोग वही सर्कुलेट करेंगे, तो व्यूअर्स को भी आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बात बोल के ख़त्म करेंगे ताकि वीडियो भी देखना है सर के पास साथ में। तो ये चीज़ मेरे को बोलना था कि आप हम लोग को बहुत सी जगह पे ना ऐसे ऐसे टाइम पे फ़ोन आते हैं, रात में कभी 11 बजे भी फ़ोन आ जाते, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे फ़ोन आ जाते। तो हमारा एक टाइमिंग भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस टाइमिंग में आप फ़ोन करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको फीडबैक भी मिलेगा। बहुत से कॉल मिस हो जाते हैं। ओके, तो अभी अपन शुरू करते हैं सैयद साहब। हाँ ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक। अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे नए स्टॉक आए हैं, जैसा कि कस्टमर की डिमांड थी तो उसके हिसाब से इन्होंने नया स्टॉक अपडेट किया है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स बोलते हैं कि ये फ़िश लेके आओ, ये वैरायटी लेके आओ डिस्कस में, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपडेट किया है थोड़ा बहुत। तो आज देखते हैं हम कौन कौन से अभी स्टॉक आए हैं इनके पास। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ अबूज़र भाई और इमरान भी हैं, तो वो बताएँगे कौन सी वेरायटी है, क्या इसकी स्पेशलिटी है। हम छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि देखने वालों को भी थोड़ा स्टार्टिंग रेंज मालूम हो जाए। तो अबूज़र भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। जी भाई, ये देखिए ये लेपर्ड है, स्पॉटेड लेपर्ड। ये फाइन स्पॉटेड लेपर्ड है, इसके पेरेंट्स मलेशियन है और ये इसका बॉडी साइज़ 1.25 इंच है। बॉडी साइज़ माउथ टू टेल बोन तक का है और इसका स्टार्टिंग प्राइस आएगा 250 रुपीज़ पर पीस है। अच्छा, 250 रुपीज़ पर पीस से है ये डिस्कस फिश। अच्छा, अब इसमें बाद में और कलर आएगा क्या इसका? जी, इसमें अभी कलर आएंगे। ये नेचुरल कलर जो है बॉडी पे पैटर्न वगैरह जो स्टार्ट होता है, ये बॉडी साइज 2.5 इंच के बाद से कलर और पैटर्न स्टार्ट होते हैं इसमें। और उसके बाद ये है, ये वाइट फेस येलो है, इसमें भी लेपर्ड भी है। इसका भी बॉडी साइज समझिए कि 1 इंच प्लस है और इसका प्राइस आ जाएगा 200 रुपीज़ ईच। तो इससे भी थोड़ा कम प्राइस का है, 250 है और 200 रुपये। जी, तो बहुत सारे वेरायटी रेंज मिल रहे हैं आपको। अगर आपके पास बजट नहीं है और स्टार्टिंग से आप कम प्राइस में लेके बड़े कर सकते हो तो आप ले सकते हो। ये बहुत, अगर बड़े लेना चाहो तो आपको 1000 रुपीज़ अबाउट 2000 रुपीज़ पड़ जाती है, तो कम बजट वालों को लेकर आप प्राइस कर सकते हो। जी, उसके बाद ये सेकंड टैंक है, इसमें स्नो वाइट है, ब्लू डायमंड है और लेपर्ड है। ये सब 1.5 इंच बॉडी साइज़ है और इसका प्राइस रेंज है 250 पर पीस। अच्छा, मिनिमम कुछ क्वांटिटी ऐसा प्रेफर है लेने के लिए? अगर कोई कस्टमर अगर आउट ऑफ स्टेशन से ले रहे हैं तो मिनिमम एक बॉक्स में समझिए कि 12 से 15 पीस आते हैं, तो उतना अगर लेंगे आप तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी 700 से 800 रुपये चार्ज लग जाता है। ये बटरफ्लाई है, इसका बॉडी साइज 1.75 इंच है। इसकी प्राइस रेंज है 300 रुपीज़ पर पीस। बटरफ्लाई डिस्कस है ना? जी। और ये थंबनेल प्लस है, इसमें स्नो वाइट है, लेपर्ड है, ब्लू डायमंड है, असॉर्टेड है, पूरा असॉर्टेड है। थंबनेल प्लस है, इसका प्राइस 150 पर पीस है। अच्छा, साइज़ क्या होगा अभी इसका? थंबनेल प्लस कॉइन साइज बोल सकते हैं। अच्छा, थंबनेल प्लस वो बोल रहे हैं। अभी छोटी इतनी फिशेस को क्या फीड दे सकते हैं अगर कोई खरीदते हैं तो? ये एनिमल हार्ट दे सकते हैं इसको, और गोट हार्ट दे सकते हैं, या ड्राई वॉर्म्स होते हैं वो दे सकते हैं आप। और पैलेट्स में अगर कुछ देना चाहते हैं तो पैलेट्स में टेट्राबेट्स आते हैं, वो दे सकते हो। फ्लेक्स भी दे सकते हैं आप, सेहरा का फ्लेक्स आता है वो भी अच्छा चलता है। ये टाइगर है, नॉर्मल टाइगर अपने जो आते हैं वो हैं, और ये 2 इंच प्लस है और इसका रेट 500 पर पीस आएगा आपको। अच्छा, ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये रिटेल्स के है। हाँ। अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में इंटरेस्टेड है तो उसके प्राइस फिर हम आपको बाद में जब कॉल करेंगे तो आपको उसका प्राइस बताएंगे। तो होलसेल के लिए कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए मिनिमम? होलसेल के लिए मिनिमम हम लोग 10 से 12 बोलते हैं, अगर आप जितना ज़्यादा लेंगे, लेकिन मिनिमम 12 पीस से ऊपर शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, एक हॉबीस्ट अगर लेना चाहते हैं तो? हॉबीस्ट लेना चाहते तो वो फिर मिक्स में लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें और भी वैरायटी हम लोग आगे वीडियो में बताएंगे कि इनके साथ में, क्योंकि हॉबीस्ट को ना अलग अलग पैटर्न और अलग अलग कलर चाहिए, तो वो हिसाब से फिर हम लोग आपको बताएंगे। जैसे अभी इसका 500 रुपये जैसे मैंने आपको बताया हूँ। अभी कोई इसका पीस लेना चाहता है ज़्यादा, जैसे होलसेलर है, तो उसमें थोड़ा हम लोग कंसेशन करके उसको होलसेल प्राइस दे देते हैं। ठीक है। अभी ये ब्रिस्टल नोज है, इसके बेबीज आए। ये मोस्टली डिस्कस टैंक में जो हॉबीस्ट होते हैं जो पैलेट्स डालते हैं अपने नीचे, पेबल्स डालते हैं, सैंड डालते हैं, तो खाना भी डालते हैं, तो खाना अनईटन फूड रह जाता है जो कि हार्म करता है। पानी का पीएच, अमोनिया लेवल बढ़ा देता है, कभी उसके अंदर फिर वो रैशेस आते हैं फिश को, फिन रॉटिंग होती है। तो ये क्या बचे हुए सब खाने खा जाते हैं। और ये एकदम फ्रेंडली है, डिस्कस के साथ में एकदम फ्रेंडली रहती है, कोई इशू नहीं आता है। बाकी जब दूसरी जो सकर्स आती है, इंडियन सकर्स जो ब्लैक कलर की होती है, वो बॉडी पकड़ती है एक साइज़ के होने के बाद, वो डिस्कस को हार्म करती है, उसका स्लाइम खाती है। डिस्कस के ऊपर एक स्लाइम कोट होती है तो वो उसको बार बार पकड़ती है डिस्कस को, तो जिसका डिस्कस को हार्म होता है और फिर आगे जाके शायद उसकी मॉर्टिलिटी भी हो जाती है अगर बराबर केयर नहीं हुआ तो। ये कितना बड़ी होती है मैक्सिमम इसका साइज़? इसका साइज़ 2-2.5 इंच आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर भी वेराइटीज़ हैं थोड़े। ये कौन सी फिशेस है डिस्कस? टर्कोइज है, ऑल्टम है, ये भी 2 इंच प्लस है, कुछ 2.25 इंच प्लस है। इसका कॉस्ट 500 पर पीस है। तो इस साइज़ में अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 इंचेस की अप्रॉक्सीमेटली आपको 500 रुपये पर पेयर पर सिंगल मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस है। तो बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल रही है, रिजनेबल प्राइस में। प्राइजेस तो आप बोलो मत, बहुत सारे लोग पसंद भी किए इनके प्राइजेस को, तभी तो अच्छा रिस्पांस आया है। फिर दोबारा हम लोग अपडेट लेने के लिए भी आए। ये रेड कवर ब्लू रिम है, इसमें भी 2 इंच का साइज़ भी है, 2.5 इंच का साइज़ भी है। 2 इंच का 550 रुपीज़ है, 2.5 इंच का 700 रुपीज़ है। आजकल बहुत डिमांड में ब्लू रिम, रेड कवर, और आधी इंक्वायरी इसी की आ रही है। इसका 2 इंच का 550 है, 2.5 इंच का 700 रुपीज़। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग टाइप की वेराइटीज़ हैं। ये येलो डायमंड के इसकी साइज़, इसमें 2 साइज़ है अभी फिलहाल, स्टॉक थोड़ा ज़्यादा आ गया है। तो इसमें 2 इंच है और 2.5 इंच है। 2 इंच का आपको 500 की रेंज में मिलेगा और 2.5 इंच है जो 650 के रेंज में आपको मिलेगा। और ये वाले, ये फूजी रेड, वाइट फेस रेड, बहुत से नामों से बोला जाता है इनको, मैंड्रिन भी बोलते, कभी ये भी बोलते, अलग अलग ब्रीड अलग अलग नाम देते। इसका बेसिकली क्या होगा, जो मैं हॉबीज को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ये आप देख रहे होंगे इसमें जो फेस है उसका लाइट शेड होता है जो वाइट हो जाएगा आगे जाके, और बॉडी पूरी रेड हो जाएगी। तो ये बेसिक आपको आगे जाके स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो बड़े होंगे जब पीस, तो आपको ये व्यू आएगा। बहुत ब्यूटीफुल होते हैं ये भी, उनका कलर भी बहुत अपीलिंग है, रेड कलर जो अट्रैक्ट करता है आंखों में। पहला बहुत सी मच्छियों में आपको जब साइड व्यू से देखते हैं तो आपको 2 पार्टीशन दिख रहा होगा कलर का, एक रेड में और एक लाइट आगे जो फेस है लाइट हो जाता है। ये 2 इंच इसमें है, 2 इंच प्लस है, और ये भी 500 रुपीज़ पर पीस से हम लोग दे देंगे। और यहाँ पर मीडियम साइज़ के हैं, मीडियम साइज़ की वेराइटी। ये वाइट टाइगर है, मलेशियन। ये भी बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, लेकिन हम लोगों ने अभी इसको छोटे में मंगाया ताकि हर कोई बड़ा आइटम अफोर्ड नहीं कर सकता है। और मैं नहीं चाहता कोई भी हॉबीस्ट अपना शौक़ पूरा नहीं करे, कि आप अपने घर पे आप रखोगे, बड़ा करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और ये आपको बहुत वैल्यू देगा। जब आप बड़ा होगे तो आपको भी अच्छा लगेगा मैंने इस पर ये लिया हूँ पीस। तो अभी बड़े बड़े बहुत महंगे भाव में आ रहे हैं। अभी आप दूसरी जगह से आप रेट निकालोगे तो आप तो पीस तो आपको अच्छा लगेगा पर रेट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग ने ये इसको छोटे साइज़ में बनाया ताकि हर कोई इसको ले ले आसानी से। इसका पीस भी 2500 से हम लोग ने शुरू किया है, इसका स्टार्टिंग प्राइस। 3 इंच बॉडी साइज़ है, बड़ा पीस है। उसके पैटर्न देख लीजिए आप, पूरे वर्टिकल मार्किंग में। टाइगर में 2 आता है, एक तो वर्टिकल आता है, एक नॉर्मल आता है। ये नॉर्मल नहीं है, ये वर्टिकल मार्किंग पैटर्न में। ये एसोर्टेड है, 1.75 इंच, प्राइस रेंज है 250। इसमें सब मिक्स है, डायमंड ब्लू है, रेड एंड वाइट है, स्नो वाइट है और लेपर्ड है। ये 4-5 वैरायटी है। अगर मिक्स में कोई मंगाएगा तो उसको बहुत अच्छा, आगे बड़े करेंगे तो अलग अलग कलर्स में उसको ब्यूटीफुल कलेक्शन हो जाएगा उसका। और अच्छा प्राइस भी हम लोगों ने रखे ताकि हॉबीज को तकलीफ नहीं हो। बहुत जगह जाते हैं बेचारे, वो रेट सुनते हैं तो आधे माल लेते हैं, कुछ चीज़ लेते कुछ चीज़ नहीं लेते। तो हमने इसको यूनिवर्सली कर दिया है, इसमें हर 4-5 वैरायटी है और 250 रेट है। ये रेड चेकरबोर्ड है, हाँ। इसका 1.75 बॉडी साइज है और इसका प्राइस है 400 रुपीज़ पर पीस। ये कितने साइज़ में अभी है? ये 1.75 इंच बॉडी साइज है। इसमें देखिए अभी से पैटर्न आना स्टार्ट हुए हैं बॉडी पे, थोड़े थोड़े पैटर्न आ रहे हैं अभी। देखिए आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है, सब बच्चा और बड़ा हो रहा है ना, ये हेड पे जो मार्किंग आ रही है पूरी बॉडी पे शो होना शुरू हो जाएगी। देखिए इधर देखिए, ब्यूटीफुल पैटर्न आते हैं इसके ऊपर भी। ऑरेंज बॉडी रहती है पूरी और सिल्वर्स पैटर्न उसके ऊपर वाइट पैटर्न सा मार्किंग आएगी पूरी। तो यहाँ पर भी ब्यूटीफुल वेराइटीज़ हैं जो बहुत ही यूनिक लग रहे हैं। ये सब इम्पोर्टेड मलेशियन चेकरबोर्ड है, ब्लड ईगल है। हाँ। इसका सब बॉडी साइज़ है 5 इंच प्लस है, 6 इंच भी है इसमें कुछ पीसेस। ब्लड ईगल बोलते हैं, कोई चेकरबोर्ड बोलता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसमें 5 इंच का साइज़ जो है वो 4500 है और जो 5 इंच प्लस है उसका 5000 रुपीज़ पर पीस है। और ये वाले, ये गोल्डन जैगवार है, इसका बॉडी साइज 4.5 इंच है और ये भी मलेशियन इम्पोर्टेड है और ये 4000 रुपीज़ पर पीस है। और जो भी पीछे है ये वाली, ये रिंग लेपर्ड है, वो भी सेम है दोनों। हाँ, इसका प्राइस रेंज सेम है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये इसकी बॉडी पे जो पैटर्न है ना, बॉक्स के अंदर देखिए डॉट है, ये हाँ। इस पैटर्न की वजह से इसको जैगवार बोलते हैं। अच्छा, हाँ। बाकी ये ऐसे नॉर्मल पैटर्न रहते हैं, जैसा ये डॉट जो आते हैं ना डिजाइन में, डॉट्स, ये डॉट्स के जैसे उसको जैगवार चेकरबोर्ड बोला जाता है। यहाँ पर ये वेराइटी है, ये रिंग लेपर्ड है, ये 5 इंच प्लस है, इसकी कीमत 3500 रुपये है। ये इम्पोर्टेड है, इंडियन है ये इम्पोर्टेड आए थे और इसमें अभी ब्रीडिंग के भी चालू हो रहे हैं अंदर। देखिए आप खुद देख रहे हैं, टेरिटरी मार्क कर रहे हैं लोग, एक दूसरे से फाइटिंग चल रही है, तो जो अभी लेगा तो उसको भी अच्छा है, आगे 2-4 महीने में ब्रीडिंग पेयर्स में निकल सकते हैं। ये सबसे एक्सक्लूसिव है वर्टिकल टाइगर, हाई फिन हाई बॉडी। हाँ, इसका थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है ना, पैटर्न देख लीजिए। ये जो आपको व्हाइट टाइगर दिखाया है ना, जो व्यूअर्स हाँ। अभी देख रहे थे, ये आइटम अलग है थोड़ा। हाँ। ये जो 6 पीस दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। ये मलेशियन है और इसके पैटर्न से आपको समझ में आएगा इसको टाइगर नाम क्यों दिया गया है, लुक लाइक टाइगर स्किन की तरह है। ये ब्लू टाइगर है और हाई फिन है, AAA ग्रेड का, बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ है ये। ये जो वाइट टाइगर देखे ना, उसमें भी ऐसी लाइन है, जो पैटर्न आना शुरू हो रहे हैं, तो वो भी बड़े होंगे तो वो भी वैसे ही हो जाएंगे, बट उनका बेस वाइट हो जाएगा। इसमें ये एक पीस पर देखिए, आप देख भी सकते हो उसमें अल्लाह लिखा हुआ है इस पीस पर। थोड़ा इसको इधर लेते, ये बीच में, हाँ, अरबी कुमार की तरह यहाँ पर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा उसको, अब ये नेचुरल है। अच्छा, इसका क्या प्राइसेस हैं ये जो फिशेस हैं? इसका फिशेस का ये 5500 रुपया पर पीस है। इसमें स्नो वाइट है 2.5 इंच के, जो कि 700 रुपये पीस हम लोग देते हैं, रिटेल रेट है। और इसमें ब्लू रिम रेड कवर है, आप शेप देख लीजिए उसका भी, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही फिंगर पे एकदम वो आ रहे। और रेड कवर जो है ये 3 इंच प्लस है, इसका 1000 रुपये पर पीस है और उसका अपना पूरा पैटर्न में शो कर दिया है। जो जानकार आदमी है, जो रेड कवर रखते हैं, वो समझ गए होंगे कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्या बनेगा आगे जाके। उसका फेस देखिए अलग ही आ रहा है और पीछे की बॉडी अलग जा रही है, ओरिजिनल ब्लू रिम बोलते हैं वो है ये। अभी एक और एक चीज़ है, ये भी एक्सक्लूसिव आइटम है, हाई बॉडी है, रेड रिंग, ब्लू डायमंड, ब्लू एंजल जैसा नाम देते हैं। बहुत से लोग ब्लू एंजल भी बोलते हैं, बहुत से लोग प्लेटिनम ब्लू बोलते हैं, बहुत से लोग डायमंड ब्लू है, हम लोग तो डायमंड ब्लू बोलते हैं। हाई फिन हाई रेड रिंग है, ओरिजिनल मलेशियन है, ये भी 2.5 इंच है और इसका प्राइस है 1500 रुपीज़ पर पीस। काफ़ी अच्छा प्राइस है, यूनिक पैटर्न है, फिर बहुत ही अच्छा प्राइस है सर। हाँ, काफ़ी अच्छा प्राइस। हम लोग भी मार्केट में रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही प्राइस रखते हैं ताकि हमारे हॉबीज नाराज नहीं हो। ये मर्क्यूरी ब्लू का एक मर्क्यूरी बटरफ्लाई बोलते हैं, जो बैक कॉर्नर में है वो। जी जी, ये जो ब्लैक शेड आ रहा है ना थोड़ा, हाँ, ये पीस का। और यहाँ पर भी ब्यूटीफुल जो ये पेयर्स हैं जो ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं, शायद ये ब्रीडिंग के लिए रखे हैं क्या? लॉट आता है हमारा इम्पोर्टेड, उसमें जो पैर बनते हैं हम लोग साइड में कर देते हैं। हाँ। एकदम फ्रेश पैर है, और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। देखिए ये पैर का तो आपको एंगलिंग भी दिखेगा येलो डायमंड का, इसका शेप भी देखिए हाई बॉडी है, ये आपको एग दिख रहे हैं इस पर। हाँ। एग ले कर दिए, बट ये फर्स्ट पहली या दूसरी टाइम एग डाले। अब जो एक्सपर्ट है, ब्रीडर है, जो ब्रीडिंग करते हैं उनके लिए ये सब आइटम है, क्योंकि हॉबिस्ट के लिए तो ये नहीं है, हॉबिस्ट तो ब्रीडिंग में जाएगा नहीं। हाँ। क्योंकि उसके लिए फिर अलग सेटअप करना पड़ता है। तो जो ब्रीडर्स है उनके लिए एक स्पेशल चीज़ हमने रखे इधर, और शेप साइज हाई बॉडी है फीमेल जो पीछे, और ये जो आगे मेल है। वो जो डार्क कलर है वो फीमेल है। जी जी। ये जो लाइट कलर है वो मेल है। क्योंकि ये हम लोग बता सकते हैं क्योंकि पेयरिंग हुआ था, दोनों साथ में थे। हाँ। अभी तक इसमें हैचिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो बात बोलना है हम लोग साथ बोलते हैं। ये बस पैर बना है, साइड में एग लेइंग चालू हुई है, अभी शायद मेल को थोड़ा और टाइम लगेगा। तो जो ब्रीडर है वो बुक कर सकते हैं पैर। अच्छा, ये भी कोई चाहे तो खरीद सकते हैं इसको। जी जी जी, बेशक। और यहाँ पर देखिए थोड़ी डिफरेंट है, पीजन है। ये भी पैर हमको अंदाज़ा है, अगर किसी को चाहिए। ये भी बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है। इसके फेस पे मार्किंग देखिए, बॉडी का टेक्सचर देखिए रेड कलर का, बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, बहुत रेयरली आता है ये भी। यहाँ पर एक और एक है येलो डायमंड, वो दिखाते हैं। ये भी एक पैर है। ये जो हमारे अंदाज से हमको लगा पैर है, जो ब्रीडर है वो भी देखे वीडियो में, साफ सैयद भाई दिखा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है ये पैर है तो आप हमको फ़ोन करिए, हम आपको अच्छे भाव में पैर अवेलेबल कर देंगे। एकदम फ्रेश पैर है, कोई बुढ़ा पैर नहीं है, एकदम सबकी स्किन देखो, शेप देखो, सब समझ में आ जाएगा आपको। घसे हुए पैर नहीं है, सब फ्रेश पैर है जो हमारे लॉट में आते हैं। हमको लगता है जो ब्रीडर को काम आ जाएंगे तो हम लोग साइड में कर देते हैं। तो और थोड़े नए वेराइटीज़ भी हैं। ये वाले, ये स्नेक स्किन और स्नो वाइट है, ये प्रोवन पैर है, इसकी तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। ये भी किसी को चाहिए रहेगा तो आप बिंदास बोलिए, आपको हमको कॉल कर सकते हैं, अबूजर भाई को, मेरे को, इसका भी हम लोग रेट आपको दे देंगे। ये थोड़ा इधर जापानीज कोई भी मंगाए थे। अच्छा, नए से थोड़े फिशेस न्यू वेराइटी भी आए हैं अभी। ये प्योर जापानीज है या सेमी जापानी है? ये इम्पोर्टेड जापानीज कोई है। इसका बॉडी साइज है करीब 2.5 to 3 इंच। इसका प्राइस 130 रुपीज़ पर पीस है। कितना बताया प्राइस? 130 रुपीज़ पर पीस। अच्छा, तो मतलब सेमी जापानी है ना, ये प्योर जापानीज तो नहीं रहेगी शायद। 70 रुपीज़ में जापानीज तो नहीं मिल पाएगी, मतलब 130 में। हाँ, तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन लुक लाइक सेम जापानीज कोई। एक्चुअली जापानीज कोई को ही लाकर इंडिया में ब्रीड करते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है, तो इसको सेमी जापानीज़ कोई कहते हैं। मतलब ये जापानीज़ कोई के ही बच्चे हैं, लेकिन हम लोग इंडिया में इसको सेमी जापानीज़ कहते हैं। काफ़ी अच्छा आपको रेंज में मिल रहा है, 130 रुपीज़ पर पीस। अगर आप इसको बड़ा करोगे, 12-15 इंच का जब हो जाएगा, तो ये लुक लाइक जापानीज़ कोई की तरह ही लगेगी। और तभी उसका अलग जो कोईस रखते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसा हम इसके बारे में बोल रहे हैं। जो लुक लाइक देखिए यहाँ पर जो मार्क है वाइट के ऊपर रेड, ये सेम जापानीज़ की तरह, कोई की तरह ही लग रही है। और एंजल के जो लास्ट टाइम थे वो तो अभी वो नीचे चले गए, दूसरा लॉट आ गया। अच्छा, बेटा फिशेस की ये खुद ब्रीड किए क्या आपने यहाँ पे? हाँ, ये हमारे इन्होंने ब्रीड किया है। कौन? रहमान खान आपको बताएंगे, ये हमारे बेटे हैं। तो ये यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो हम लोग का एक्सोटिक है, ये स्मॉल एंड मीडियम है, और ये। अच्छा, ये आपने ब्रीड किया? जी। कितने एज है आपकी? मेरी है 11 एज। अच्छा, 11 में इतना सब सीख गए आप, ये ब्रीडिंग कर रहे हैं? मैं एक्चुअली में जब भी 3 से 4 इयर्स का था, मेरे डैडी ने मेरे को सब फिश दिखाए थे, तो मेरे को एक शौक उसका वो हो गया था। तो अभी बड़ा हो गया तो मेरे को नॉलेज सब आ गई, तो मैं अपने बीटास की ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया। ये बीटास की आप डिज़ाइन भी देखेंगे ना, जो ब्रीड किए, पैटर्न बहुत अच्छे आए इसमें। ये प्लेकेट्स है, ये देखिए जो मेरे हाथ के पास है, शेड्स देखिए उसके। अच्छा, ये कैसा डजन वाइज देते हैं या? हाँ, ये डजन में जाते हैं, क्योंकि छोटे हैं ना, तो हम डजन में ही दे देते हैं इसको। इसका क्या भाव ये होता है? ये 50 रुपीज़ पर पीस हम लोग दे देते हैं। एक्सोटिक 70 रुपीज़ का मिलेगा आपको, ये 40 रुपीज़ का मिलेगा, और जो ये बड़े वाले ये 50 to 60 के रेंज में मिल जाएगा। इसमें एक ब्लैक भी आ गया ना, ये ब्लैक हो रहा है पूरा। इसमें से गोल्डन भी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाँ फुल गोल्ड है। हाँ ये अमान बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। और यहाँ एंजल फिशेस हैं, एंजल फिशेस की बेबीज, ये भी न्यूली हैच लग रहे हैं। हाँ ये न्यूली हैच है। असल में ये हमारा जो बीएसपी का पैर था जो पहले आपने देखे थे, तो ये खुद अभी उनको ब्रीडिंग किए, तो थोड़ा एक दो उन्होंने क्रॉस में भी निकाल लिया इसको। तो ये जो वाइट दिख रहा है ये बीएसपी का जो वाइट अल्बिनो ये आता है ना, बहुत से लोग इसको प्लेटिनियम समझते हैं लेकिन प्लेटिनियम नहीं है ये बीएसपी है। और कोई है ना कोई कोई एंजल उसका क्रॉस में से निकला है। तो काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हो, अगर एक्चुअली में आपने ब्रीड किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को भी एक सीख मिलेगी। तो जैसा आपने देखा बहुत सारे हमने वेराइटीज़ यहाँ पे स्टॉक किए, स्टॉक जो था और फिशेस की वेराइटी थी हमने कवर किया। तो और कुछ बोलना चाहते हैं इमरान भाई और अबूजर भाई, व्यूअर्स को या ख़रीदने वालों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आप कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं? व्यूअर्स के लिए तो मेरा एक ही मैसेज है कि आपको सबसे पहला मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग जैसा सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग को, जैसे ब्रीडर्स और रेजर्स को, वैसे आप सपोर्ट देते रहिए। सैयद सर का आप चैनल देखते रहिए, आगे भी हमारे और बहुत से प्लान हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला था डोम्बी वाली में हमारा सेटअप चालू हो गया है, सर अगले महीने या विजिट करते हैं जैसा सैयद भाई, तो आपको वहाँ का हम लोग ब्रीडिंग सेक्शन दिखाएंगे। वहाँ हम लोग सब ब्रीडिंग के लिए ही पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग एक रिटेल आउटलेट भी डाल रहे हैं जो कि आपको 500 से 600 स्क्वायर फीट में दिखाई देगा। तो बॉम्बे में अच्छा 500 600 स्क्वायर फीट बोले तो बहुत अहमियत होती है बॉम्बे के लिए। हाँ। तो इसमें भी हम लोग का सेटअप और प्लानिंग चालू है, बस आप लोग दुआ करिए, कीप सपोर्ट अस, कीप आप सैयद सर को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए उनके चैनल को, और हमारे HA डिस्कस को भी आप सपोर्ट करिए। बस यही एक विशेष मैं आपसे मांगता हूँ। और कुछ भी डिफ़िकल्टीज होती है आपको माल में, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में कुछ, तो हमारा नंबर है, अबूजर सर का नंबर है, आप बेफिक्र होकर आप कॉल करिए। बस एक टाइमिंग आपको देंगे, वो टाइमिंग में कॉल करना। तो क्या टाइमिंग से कॉल करना है अबूजर भाई? आप सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, इतना बेटर हो सके जितना जल्दी होगा आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है। अगर लास्ट में क्वेश्चन था, अगर कोई पर्सनली विजिट करना चाहते हैं हैचरी पर विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकेशन में मैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन डाल दूंगा, आप वहाँ पर आ सकते हैं, गूगल लोकेशन डाल दूंगा और नंबर भी मैंने डाल दूंगा। तो नंबर देख के आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। अगर कुछ भी इंक्वायरी करना है या परचेस करना है, कुछ भी बात करना है डिस्कस के बारे में, तो आप कॉल कर सकते हैं। दोनों का नंबर मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस भी है, HA डिस्कस मुंबई के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, गुड बाय, अल्लाह।